साउथ इंडियन फिल्म KGF बॉक्स ऑफिस पर पैसे बरसा रही है, ठीक वैसे ही जैसे कभी असली KGF भारत में सोना बरसा रही थी। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड। बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस शहर की कहानी असली KGF की कहानी है। KGF फिल्म आज जिस तरह से करोड़ों कमा रही है, ठीक उसी तरह से KGF 1900 के पहले दशक में सोने का उत्पादन करता था। उस समय KGF से भारत का 95% सोना निकलता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया था। इलाके में बिजली पहुंच चुकी थी। शिवन समुद्र में बना कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई ऐसे होती थी कि पावर कट कभी नहीं होता था। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों के रहने के लिए भी मुफीद था। सोने की कमाई भी हो रही थी, ऐसे में यहाँ विकास भी पहुँचने लगा था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑफिसर्स के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के लिए बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब तक यहाँ बन गए थे। बड़े बड़े गोल्फ कोर्स भी थे। यहाँ इस तरह के विकास हुए कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे। 121 साल तक चले KGF को सरकार ने बंद कर दिया। इसके पीछे कहा जाता है कि खनन में आने वाला खर्च उससे होने वाली कमाई से बहुत ज्यादा था। सरकार इस बोझ को उठा नहीं पा रही थी। फिर उस समय सोने का दाम भी गिर गया था। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारियों का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था। सरकार ने माइन को बंद कर दिया। कहते हैं कि KGF में अब भी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना है। 20 साल तक वहाँ खुदाई नहीं हुई। करीब 1250 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आधे भाग में ही खुदाई हुई है। आधे भाग का सोना अभी भी वही है। साल 2001 में जब माइन बंद कर दी गई तो इसकी संपत्ति करीब 4.1 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। हालांकि उस समय एक टन मिट्टी खोदने में 11,000 रुपए की लागत लग रही थी। सोने का भाव 3,000 रुपए प्रति ग्राम था। ऐसे में माइन को बंद करना ही सरकार को उचित लगा। यहाँ लोग हाथ से खोदकर ही सोना निकाल लिया करते थे। साल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेराल्ड लेवली को एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट मिली जिसमें कोलार्ड गोल्ड फील्ड का उल्लेख किया गया था। उन्होंने बैलगाड़ी से इलाके में रिसर्च की और वह सोने के खदान तक पहुँचने में कामयाब रहे। 1875 में उन्हें मैसूर के राजा से वहाँ खुदाई का लाइसेंस मिल गया। इसके बाद KGF पूरी दुनिया में छा गया। साल 1956 में केंद्र सरकार ने KGF का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तब KGF घाटे का सौदा साबित होने लगा। साल 1979 के बाद स्थिति ये बनी कि मजदूरों की सैलरी प्रभावित होने लगी। यह घाटा लगातार बढ़ता गया और साल 2001 में इसे आखिरकार बंद करना पड़ गया। तो दोस्तों, KGF से जुड़ा ये रियल फैक्ट और नॉलेज आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। और हाँ, हमारे चैनल को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही हमारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।